नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। बलिया जिले में पौराणिक काल से लगने वाला ऐतिहासिक ददरी मेला इस बार भूमि पूजन को लेकर राजनीति का अखाड़ा बन गया है। इस बार भूमि पूजन समारोह में दो प्रमुख नेताओं के बीच समय को लेकर विवाद पैदा हो गया। सबसे पहले भूमि पूजन समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने किया, उसके बाद यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी पूजा अर्चना कर दी, लेकिन दोनों नेताओं ने अलग अलग समय पर पूजा की जिससे विवाद खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने पूजा के समय को लेकर कहा कि पूजा का समय पहले 11 बजे तय किया गया था, लेकिन फिर किसी कारणवश 4 बजे शाम तक उसे खींच लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा को मान्यता नहीं दी जाती, इसीलिए उन्होंने समय से पहले पूजा की। पांडे ने यह भी आरोप लगाया कि यूपी सरकार के मंत्री को समय पर आकर पूजा अर्चना करनी चाहिए थी, ना कि देर से आने पर पूजा करनी चाहिए थी, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जी, आप आए और चले गए यह कार्यक्रम का समय पहले 11 बजे दिया गया था, फिर किसी काम बस को 4 बजे किया गया, उसको भी मैंने मान लिया। उसके बाद से शाम जब हो जाती है, सूर्य डूबता है, उसके बाद से पूजा मान्य नहीं होता है, तो हमने जो है समय से पूजा कर दिया। जी, तो धर्म, यहाँ धर्म बड़ा है, पूजा बड़ा है या मंत्री बड़े हैं सर? ये मंत्री है? अरे धर्म बड़ा है, ये जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हमारे रास्ता से जुड़ा हुआ ददरी मेला है, अगर समय से पूजा पाठ करने की किसी पास समय नहीं है, इसका जिम्मेदार वो ना है। जी, उसको समय से आना चाहिए, हर कार्यक्रम छोड़ कर। मंत्री जी के लिए हम मंत्री के लिए कुछ नहीं कहेंगे, हम यहाँ प्रशासन की बात कर रहे हैं। जी, मंत्री से हमारा कौन सा विवाद है? जी, वो मंत्री अगर बलिया के विधायक है मंत्री, तो हमारे भी विधायक को मंत्री है। जी, उनसे मेरा कौन सा विवाद है? प्रशासनिक अधिकारियों की ढीली नीति और आगे पीछे चलने के कारण, और जो है वो कहिए कि ये लोग जो है आकंठ तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और डरे हुए हैं, किसी उनका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, समय से पूजा कर दिया। वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी कहा कि सांसद जी जल्दी में रहे होंगे, उनको कहीं और जाना होगा, इस वजह से उन्होंने समय बदल दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ये प्रशासन का कार्यक्रम था और हम जनप्रतिनिधि होने के नाते इसमें शामिल हुए। दयाशंकर सिंह ने यह भी कहा कि जब पूजा का समय पहले निर्धारित था तो कुछ कारणों की वजह से वो समय पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन जैसे ही पंडित जी ने पूजा का सही समय बताया, उसी के अनुसार उन्होंने पूजा अर्चना की है। इनकी बात भी आप सुनिए। चले गए आपको बाद में करना चाहिए, वो तो हम लोग के वो है, आदर्श है, कोई सांसद है और उनको पूरा अधिकार है इसका, यदि वो हमारे साथ भी करते तो वही करते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, धर्म के नाम पर भाजपा सूर्यास्त करती है, उनका कहना सूर्यास्त के बाद भूमि पूजन नहीं होता, धर्म के नाम पूजन भी नहीं होना चाहिए, पाखंड करती है। हम तो ये हमसे बेहतर वही जानते हैं, क्योंकि वो तो ब्रह्म कुल में पैदा हुए हैं भाई, ये बात तो वही जो कहेंगे वही सत्य है, वो जो कहे वही सत्य है। मैं देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो जो बोल रहे हैं वही सत्य है, बाकी तो हमारे जो पंडित जी बताएंगे, वह पंडित जी बताएंगे कि क्या वो है। तो मंत्री जी क्या आप मानते हैं कि भाजपा पाखंड करती है, वो बोल रहे हैं सत्य है? हम इस बात को नहीं, लेकिन और जो आपने कहा कि सूर्यास्त में होता है कि नहीं होता है, चार। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी के साथ राजू गुप्ता की रिपोर्ट। देखा जाए तो बलिया के ददरी मेला भूमि पूजन पर इस राजनीति के बीच ये सवाल खड़ा होता है कि जब सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं तो नेताओं को एकजुट होकर काम करना चाहिए, बजाय इसके कि वो व्यक्तिगत और पार्टीगत राजनीति में उलझ जाए। हालांकि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच इस विवाद को लेकर उम्मीद की जा रही है कि आगे ऐसी स्थिति से बचने के लिए बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही, देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।